हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो ट्रिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, इसलिए आप अपना 4 मार्क्स फिक्स कर लें। ओके, आज का जो ट्रिक होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे बेस्ड होगा, राइट। और चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसलिए टोटल मैं 4 पॉइंट दूंगा। उस 4 पॉइंट को अच्छे समझ लो, इससे बाहर कुछ नहीं है, आपके सारे प्रॉब्लम विद इन 1 मिनट में होंगे। तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1 कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आपको बता रखा हूँ। नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, अगर वो 4 आ जाता है तो आपको क्या चेक करना है, सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो अगर 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है, राइट, तो फिर उस केस में आपको लिगेंड को चेक नहीं करना है क्योंकि सारे के सारे लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होंगे। डैट्स वाई उस केस में हाइब्रिडाइजेशन आपका फिक्स हो चुका है। अगर आपसे पूछेगा तो DSP2, जैसे फॉर एग्जाम्पल PtCl4-2, तो यहाँ पे ये दिख गया कि ये 5D सीरीज का है, तो इसलिए आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल देना DSP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सेंट्रल मेटल एटम आपका 4D या 5D सीरीज का है, तो लिगेंड पे ध्यान ही नहीं देना है। सारे के सारे लिगेंड चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है DSP2। एंड शेप भी फिक्स हो गया, हाइब्रिडाइजेशन अगर DSP2 है तो शेप भी फिक्स है, स्क्वायर प्लेनर। देखने में कैसा होगा, वेरी सिंपल, यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो, चारों लिगेंड और मेटल बोर्ड के प्लेन में ही होंगे, राइट, इसलिए वर्ड आया है प्लेनर। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक स्पेशल केस है, किसका, ऑक्टाहेड्रल का, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल भी ऐसे ही बनता था, 4 ये प्लेन में, एक प्लेन के अप और एक प्लेन के डाउन, तो वही अप और डाउन वाले को निकाल लोगे तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। इसलिए ये पॉइंट लिखा हूँ कि इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में जो डी यूज हुआ है वो कौन सा है, तो आप समझ सकते हो ये एक्स वाई प्लेन में है, ऑन द एक्सिस पे लिगेंड है, तो इसलिए एक्सिस वाले ऑर्बिटल यूज होंगे। एक्सिस वाले ऑर्बिटल कौन थे, DX²Y², वो भी एक्स वाई एक्सिस पे लाई करते थे, तो इसलिए वो जो डी यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में वो DX²Y² होंगे। नाउ अगर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन अगर आपका 3D सीरीज का है, ध्यान देना 3D, वही सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा, राइट, तो अगर वो 3D सीरीज में है तो फिर आपको चेक करना है कि लिगेंड कैसा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2, शेप स्क्वायर प्लेनर आपको बताना है। जनरली 99% केस में ऐसा ही होगा, एक दो एक्सेप्शन है जिसको मैं आपको ट्रिक से याद भी करवा दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO4, यहाँ पे बाय द वे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बट हाइब्रिडाइजेशन DSP2 नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, SP3, और शेप फिर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो एक दो एक्सेप्शन है, अदरवाइज 99% ये चीज़ें फुलफिल होंगी 3D सीरीज में। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं बता रखा हूँ, जो भी ऑक्सीजन या हेलोजन या सल्फर डोनर होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कार्बन या नाइट्रोजन डोनर होंगे, तो राइट, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है SP3, शेप टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, इसमें दो ही बॉन्ड एक प्लेन में आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो दो बॉन्ड मैंने दिखाया, एक बॉन्ड प्लेन के अप होगा ऐसे, तो एक बॉन्ड प्लेन के डाउन में होगा, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें एंगल आपको मालूम है 109° 28' है, इसमें आपको मालूम है स्क्वायर प्लेनर में एंगल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 90 डिग्री, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि ये वाला कभी भी GI, दैट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी नहीं शो कर सकता, ये ध्यान रखना, वैसे हम आइसोमेरिज्म में बात करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो यू नो कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड है वो भी इन बिटवीन द एक्सिस है, और आपका जो DXY, DYZ, DXZ है वो भी इन बिटवीन द एक्सिस है, तो दोनों ऑलमोस्ट क्लोज में होंगे, तो उसका कोलिजन काफ़ी इफेक्टिव होगा, राइट, इसकी वजह से वो एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डी ऑर्बिटल के जो 5 घर थे उसमें से 3 घर ऊपर चले गए, 3 घर हैं इसलिए 3 लेटर है T2G, और 2 घर नीचे आ गए EG।
अगर ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल का, राइट। और क्यों है ये बिल्कुल आपको फील होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस पे थे इसलिए ये एक्सिस वाले ऊपर गए थे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस है इसलिए इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर चले गए, तो टी टू जी ई जी इंटरचेंज हो गया है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, वही सेम रूल को फॉलो करना है, 1 2 सिंगल सिंगल वीक फिल लिगेंड है इसलिए 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 ये मैंने नंबरिंग ही कर दिया है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये कौन से हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, टी टू जी वाले का सारे का सेम एनर्जी होगा इसलिए इसको डी जनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, सिमिलरली ई जी वाले डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको डेल्टा टी स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल एनर्जी बोलेंगे, जैसे वहाँ पे डेल्टा ओ बोलते थे। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ समझाने की कोशिश किया है कि डी एक्स वाई देखो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, लिगेंड भी इन बिटवीन द एक्सिस है, इसीलिए ये दोनों क्लोज होने की वजह से जो कोलिजन होगा वो उसका इफेक्टिव होगा, तो वो ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ तो स्क्वायर प्लेनर में आपके जो लिगेंड है वो एक्स वाई एक्सिस पे है, राइट, और इसलिए आप सोच सकते हो तो फिर जो ये d ऑर्बिटल है इसमें पहले, चूंकि ये एक्स वाई एक्सिस पे है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल की तरह स्प्लिटिंग कराया, टी टू जी वाले 3 नीचे ई जी वाले 2 ऊपर, राइट। और इसमें फर्दर स्प्लिटिंग होती है, क्यों होगी, क्योंकि ई जी में जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एग्जैक्टली लिगेंड के सामने आ गया, क्यों, क्योंकि लिगेंड भी एक्स वाई डायरेक्शन में एक्स वाई एक्सिस पे और ये भी आपका एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसलिए एनर्जी में सबसे ज़्यादा हाइक इसमें आ जाएगा, इसलिए सबसे ऊपर आपका रहेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई वाले, डैट मीन्स चूंकि हमारा लिगेंड भी एक्स वाई प्लेन में है तो इसलिए एक्स वाई वाला जितना भी ऑर्बिटल होगा उसको ऊपर करना है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्यों सबसे ऊपर किया, क्योंकि वो तो सामने ही आ गया, उसके बाद जेड वाले सब आएंगे अगर आप ध्यान से देखो तो। तो ये इसको कैसे समझ सकते हो, वेरी सिंपल, बिल्डिंग बनाना है आपको, बिल्डिंग का जो नींव होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए पहले दो ऑर्बिटल एक लेवल में दोनों की एनर्जी सेम, फिर उससे ऊपर डी जेड स्क्वायर, फिर उससे ऊपर डी एक्स वाई, फिर उससे ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब बिल्डिंग का ये दो घर हो गया, बेस को मजबूत किया, फिर उससे ऊपर एक, फिर एक, फिर एक, तो इसलिए देख सकते हो इसका एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, जिसको हम डेल्टा एस पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो पहला तो ये कि डेल्टा टी डेल्टा ओ में ये रिलेशन आपको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टी दे देगा तो डेल्टा ओ निकालना, डेल्टा ओ दे देगा तो डेल्टा टी निकालना, वेरी सिंपल, वी नो कि डेल्टा ओ बड़ा है इसलिए डेल्टा टी 4/9 टाइम्स स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई क्या टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ है। दूसरा, स्प्लिटिंग वाइज अगर बात करें तो सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी में, उससे ज़्यादा डेल्टा ओ में, और सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर में एनर्जी के स्प्लिटिंग का ऑर्डर बात करेंगे। तो वैसे ही अगर लिगेंड सबको सेम रखे और सेंट्रल मेटल को चेंज कर रहा हो तो 4D से ज़्यादा 5D वाले सेंट्रल मेटल एटम का एनर्जी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। तो ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, डायरेक्ट कुछ नहीं इसकी वैल्यू दे देगा आपको तो इसका पूछ लेगा, या फिर इसकी वैल्यू दे देगा तो इसका पूछ लेगा, तो ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है वो क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लिगेंड से लोन पेयर ले रहा है, तो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू लुईस ये क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। सिमिलरली लिगेंड लोन पेयर दे रहा है, डोनेट का काम कर रहा है डोनर का, तो वो लुईस बेस हो जाएंगे, तो ऐसा ही पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट सबको आपको ध्यान में रखना है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो वही सेम कौन पैरामैग्नेटिक होगा, तो जनरली टेट्राहेड्रल वाले जनरली, पॉइंट पे ध्यान देना, जनरली पैरामैग्नेटिक होंगे, और स्क्वायर प्लेनर वाले जनरली 99% डायमैग्नेटिक होंगे, एक दो एक्सेप्शन होगा जिसको मैं अभी ट्रिक में क्लियर भी कर दूंगा। और वैसे ही टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ई जी में कितने हैं उनका सम बताओ, राइट, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो 99% आपको जो देगा वो इन्हीं तीनों में से कोई होगा, राइट, इसलिए रफी सर ने उसके लिए एक अवसम ट्रिक बनाया है, और वो क्या है, निक लोन TTS, डैट मीन्स निक नाम के पर्सन को लोन जो है वो ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे में मिलता है। तो इसको कैसे कनेक्ट किया, ध्यान से देखो, Ni निकल सेंट्रल एटम फिक्स हो चुका है, तो निकल के साथ आपको एक बार C के साथ L लेना है, तो क्या हो जाएगा, निकल क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें इसलिए 4, निकल पे +2 चार्ज इसलिए -2, तो एक ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ सकता है।
फिर Ni C के साथ O को लिया एक बार राइट, तो NiCO4 हो गया। फिर Ni C के साथ N को लिया तो NiCN4। तो देखो इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, निक लोन। TTS का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है। और फिर इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को भी ट्रिक से मैंने कनेक्ट किया है कि आपको कैसे करना है, और ये चीज़ यहीं पे लगाना है, ट्रिक है बेटा, तो यहीं पे लगाना है ये वाला पॉइंट, ये वाला। कैसे? कि टाइप्स ऑफ एटम देख लेना है लिगेंड में। यहाँ पे लिगेंड में जो टाइप्स ऑफ एटम है वो एक ही है, क्लोरीन, राइट। Cl उसका नोटेशन है, एक ही टाइप का है, वन ऑड नंबर है, तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे दो टाइप के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, राइट, तो इवन हो गया तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे भी दो टाइप के है, कार्बन नाइट्रोजन, तो इवन हो गया तो डायमैग्नेटिक। ये जस्ट इस केस में कनेक्ट करने के लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता चल गया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा आप टिक कर दोगे, राइट। निकलोन TTS से आपको ये याद हो गए इसका, आप चूंकि टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन में फिक्स हो चुका है। इसका sp3, टेट्राहेड्रल होते ही sp3, ये भी sp3 और ये dsp2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस ट्रिक से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उसके हाइब्रिडाइजेशन को, उसके शेप को, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को, सबको कनेक्ट कर दिया। और सिंपल एक वर्ड है निकलोन TTS, उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। ध्यान से देखो, जब NiCl4-2 लोगे तो यहाँ पे निकल +2 में, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि ये 3D सीरीज का है, Cl एक वीक फिल लिगेंड है, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग कराएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को भरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डी तो यूज ही नहीं कर पाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देख सकते हो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ ले तो 2.8 समथिंग हो जाएगा, या फिर यू नो कि ये Eg है, ये T2g है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 4। T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो उसमें भी 4 है। Eg में इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना है? तो 2, राइट। T2g में इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो एक ही होगा, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 2, राइट। T2g में मान लो बोल दिया m इलेक्ट्रॉन है और Eg में n इलेक्ट्रॉन है, तो m+n की वैल्यू बताओ। ये जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि कंसेप्ट एक होता है और उसमें घुस करके वो बहुत कुछ पूछ सकता है, बात वही रहेंगी। तो ये आई होप क्लियर होगा। वैसे ही NiCO4 में निकेल आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, तो 4s2 3d8 होगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है, इसलिए स्प्लिटिंग आपको ऐसे कराना है, पहले दो घर फिर 1 1 1। डी में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ तक भर दिया, इसका dx2y2 खाली है, और 4s वाला भी जो है उसकी भी एनर्जी इसी से ऑलमोस्ट मैच कर जाती है, तो ये मेरा 4s2 वाला है। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अपनी ताकत तो दिखाएगा, तो ताकत दिखाना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, तो ये क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ, मैं तो जो चाहूँगा वो करूँगा। तो इस करने के चक्कर में क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ जाएगा तो s खाली हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते ही टेट्राहेड्रल, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसमें, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो डायमैग्नेटिक μ0। और सिमिलरली NiCN4 में निकेल अगेन +2 में है, राइट, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चूंकि CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकेल 3D सीरीज का, इसलिए ये सब सोच रहे हैं, 4D 5D का होगा तो सोचते भी नहीं, राइट, डायरेक्ट स्क्वायर प्लेनर। तो D में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको फिलअप किया तो आपका ये वाला खाली रह गया, इसलिए ये D यूज होगा पहले, तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 स्क्वायर प्लेनर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो μ0 और डायमैग्नेटिक। तो इसलिए ध्यान रखना, 99% क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से बॉन्डिंग से पूछा जा रहा है तो बेटा यहीं से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना है, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो कॉपर पे ही +2 चार्ज होगा, राइट। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता था? 4s1 3d10, बट +2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पहले s से, तो s में तो एक ही है, तो एक निकला, फिर उसके बाद एक और निकालना है, क्योंकि टोटल 2, तो d से एक जाएगा, तो d में 9, तो फाइनली कितना है? d में 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि लिगेंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो राइट। तो आपको क्विकली बोला हूँ क्या करना है, ये दो घर फिर 1 घर फिर 1 और फिर 1, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन भरने की बात आएगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 9th आप यहाँ पे अभी नहीं भरेंगे, ध्यान दो क्यों, समझो, चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 4s वाले हैं यहाँ पे और फिर 4p वाले होंगे, राइट। ये तो आपका 3d का था, ये 4s और ये 4p।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अभी बताया वो अपना तो दिखाएगा ताकत, तो वो दिखाना कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी इसको भारी पड़ जाएगा, इसको शिफ्ट कर देगा वो यहाँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो दिखाना ही है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो ध्यान से देखो, ये और वाइटल यूजेंगे हाइड्रेशन में, तो कौन कौन यूज हुआ, डी एस पी टू हुआ, तो स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। बट यहाँ पे ध्यान देना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये म्यू 1.73 होगा और ये पैरामैग्नेटिक होंगे, तो ये सब पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए ध्यान में ये पॉइंट सब रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर टू में इस टाइप से बहुत सारा कॉम्प्लेक्स दे देगा, कितने पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं या कितने डाया, तो देखो क्विकली कैसे करेंगे, जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं। ध्यान से देखो, ये जो है पहले तीन, ये आपका वही है, कौन, निकलोन टीटीएस वाला, तो आपको ध्यान से देखो यहाँ पे बताया, यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है, इवन, तो ये डाया होगा, राइट, तो ये नहीं होगा, ये भी इवन है, डाया होगा, यहाँ पे सीएल एक ही टाइप का है एटम, तो ये पैरा होंगे, राइट, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में हो गया। सिक्स में आपको बता रखा हूँ कि सिक्स में सबके सब पैरा हैं, एक्सेप्ट D6 स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट एंड D10, राइट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे -4 है, तो आयरन पे +2 है, D6 और स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, तो यही आपका डाया होगा, पैरा नहीं होगा। इसके बाद इसमें कॉपर अमोनिया वाले में अभी आपने देखा ही सामने में, राइट, ये पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे अब चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आयरन +3 में D5, तो लिगेंड कोई भी हो तो ये पैरा होंगे। यहाँ पे अगेन वीक फील लिगेंड है, +2 D6 तो है लेकिन वीक फील लिगेंड है, तो ये पैरा होंगे, तो पैरा वाले ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये PYQ क्वेश्चन से मैंने लिया है, तो इसलिए बेटा ध्यान से देखो रफी सर कैसे एकदम ईजी वे में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको ये चार ऑप्शन गिवन थे, हाईएस्ट डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। ध्यान से देखो, तो सब में लिगेंड सेम है, राइट, तो अब हमें सेंट्रल मेटल एटम को देखना पड़ेगा। वी नो 3D से ज़्यादा 4D का होता है, 4D से ज़्यादा 5D का होता है, राइट, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो, ये कार मोटर ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है, तो इन दोनों में तो क्लियर है कि इसका होगा, और फिर रुलाया उसे, तो ये तो और आपका 5D सीरीज का हो गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर कि ये आपको टेट्राहेड्रल वाले आपको गिवन है कि लेमडा एब्जॉर्ब 600 नैनोमीटर है, तो ऑक्टाहेड्रल वाले का स्प्लिटिंग एनर्जी बताना है, तो वही मैंने बोला कि कनेक्ट कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप निकाल सकते हो डेल्टा टी, कैसे निकाल सकते हो, HC/λ से आपको बता रखा हूँ, H की वैल्यू 6.6 × 10⁻¹⁴, C³ × 10⁸, लेमडा आपको गिवन है, यूनिट का ध्यान रखना है 10⁻¹⁹, तो ये अपना जोल्स में आ जाएगा, सब ऐसा यूनिट में पुट किया तो डेल्टा टी आ गया। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा हो, आपको रिलेशन बता रखा हूँ, डेल्टा टी 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, 9/4 डेल्टा टी, इसको पुट कर दो, 6.6 × 10⁻¹⁴, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 600 × 10⁻¹⁹। अब कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद कैलकुलेशन में डरते हैं, नहीं डरना बेटा, ध्यान से देखो, 10⁻²⁰ बनाना है, उसके आगे कुछ नंबर होगा, ऑप्शन है अपने पास, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ये दो जीरो से इसका दो कम किया तो 6, 9 ऊपर गया तो कितना हो गया 15, 15 में से 34 हटाना है, तो राइट, तो ये सब कट जाएंगे और कट पीट के कितना बचेंगे, 10⁻¹⁹। अब आपके पास क्या क्या बचा है, ध्यान से देखो, इसको अप्रॉक्स 8 पकड़ लो, तो ये 2, ये 6.6 है, ये 1.1 और ये 3, राइट, क्योंकि इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये इतना बचा, लेकिन हमें 10⁻²⁰ में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 10⁻²⁰, तो सिर्फ ये नंबर हमें चेक करना है, तो ध्यान से देखो, ये 2, 3, 6, 6 × 100 तो 600 से बहुत ज़्यादा होगा, 600 × 1.1 है, तो कितना के आसपास आ जाएगा, ये 750 के आसपास आ जाएगा, राइट, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत आगे है और ये कम है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ना हो जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड डजन मैटर, क्योंकि ऑलवेज हाइड्रेशन SP3 रहेगा, शेप टेट्राहेड्रल रहेगा और डायमैग्नेटिक रहेगा। एग्जांपल जैसे जिंक +2 में है, राइट, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो आपका लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या बोलना है, SP3 टेट्राहेड्रल। वैसे ही जिंक यहाँ पे भी +2 में है,
क्लोरीन वीकफील्ड लिगेंड है, बट डजंट मैटर, क्यों? क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो आपको नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर टू, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ये जितना भी आपको बताया सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही एप्लीकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई उसको कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बता पा रही है। जैसे कार्बोनिल और CN- में अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर माइनस चार्ज है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए स्प्लिटिंग, लेकिन एक्चुअल में किसका है, इसका, जो आपको याद भी करवा रखा हो, अमोनिया पायरिडीन NDP नाइट्रो सुने किसकी, उस वाले ट्रिक से। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये कभी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है कि ऑर्डर सिर्फ नहीं बता पाता, बाकी सारी चीज़ें इससे एक्सप्लेन होती है। और पॉइंट नंबर थ्री थोड़ा रटने वाला पॉइंट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जो आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट के जो लीफ हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो डैट मीन्स एस ब्लॉक के एलिमेंट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं, एंटी कैंसर एजेंट प्लेटिनम, सिस प्लेटिन भी बोलते हैं उसको, हम ज्योमेट्रिकल आइसो में बात भी करेंगे, तो प्लेटिनम उसमें सेंट्रल मेटल होता है। और रोहिडियम वाले जो हैं इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप याद रख सको तो याद रखना। तो आई होप ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आप जितने PYQ हैं आप लगा के देख लो, रफ़ी सर के ट्रिक से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू।